जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुछ 41,999 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पारिवारिक वादों से संबंधित 62 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों एवं भारत दूरसंचार निगम से संबंधित 810 वादों का निस्तारण कर 1,75,88,112 रुपए का छूट प्रदान करते हुए 1,59,49,321 रुपए नगद जमा कराया गया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तथा जिला विधिक प्राधिकरण सेवा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वितीय के द्वारा मीटिंग हॉल में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान विभिन्न न्यायालयों द्वारा आपराधिक प्रकृति के अनेक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 61 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 13 मामलों में वैवाहिक युगलों को जनपद न्यायाधीश द्वारा एक साथ विदा किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने बताया। आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार आज हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के नेतृत्व में आज इस दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कोर्ट ने विभिन्न प्रकार के जो समनीय अपराध मामले थे, सिविल प्रकृति के मामले थे, फैमिली कोर्ट के मामले थे, MSET कोर्ट से संबंधित जो मामले थे, इन सब के साथ साथ बैंक रिकवरी, BSNL टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल से संबंधित जितने भी बात थे, आज इसका निस्तारण विभिन्न न्यायालय और विभिन्न फोरम द्वारा किया गया। इस न्यायालय में विभिन्न न्यायालयों द्वारा लगभग 8,241 क्रिमिनल केसेस को नियत किया गया था, जिसमें से लगभग 6,698 केसेस को डिस्पोज करते हुए लगभग 5,61,584 रुपया अर्थदंड के रूप में वसूला गया। इसके अतिरिक्त हमारे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा लगभग 61 मामलों का निस्तारण किया गया। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस पारिवारिक न्यायालय द्वारा भी आपसी सुलह समझौतों के आधार पर कई जोड़ों को एक साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु उन्हें विदा की गई। इसके साथ साथ MSET न्यायालय द्वारा, कमर्शियल कोर्ट द्वारा तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी बड़े स्तर पर मामले को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया और बृहत स्तर पर वहाँ पर कंपनसेशन दिलाया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा, विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा भी अपने मामले को यहाँ निपटाया गया। यहाँ पे वादकारी, यहाँ पे जो बोरोवर थे और यहाँ आए थे और उस मामले को आपसी सुलह समझौते के आधार पे बैंकों से सेटलमेंट किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित लगभग 11,546 मामले को नियत किया गया था, जिसमें से लगभग 810 मामले को सेटल किया गया और उस सेटलमेंट के आधार पर लगभग 6,77,000 रुपये ऋण बैंक द्वारा वसूला गया। इसमें बैंक द्वारा भी काफ़ी छूट दी गई, काफ़ी NPA में भी छूट दिया गया और बैंकों द्वारा इस राष्ट्रीय लोक अदालत पर छूट पाकर सारे जो यहाँ ऋणी थे सब लाभान्वित हुए और आगे भी ये लोक अदालत हमेशा आयोजित होता रहा है। निश्चित समय पे जब भी हमें निर्देश मिलेगा सालसा से, हम ऐसे लोक अदालत का आयोजन करते रहेंगे।